नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहा जाता है कि अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मदद रूस ने की थी और ये एक अलग विवाद का विषय है और इस पर अमेरिकी संसद काम कर रही है और हो सकता है कि ट्रंप को सजा भी हो जाए। इस बीच शुक्रवार को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बात कही जिसमें 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप मामले में झूठ बोलने और गवाहों को प्रभावित करने के लिए दोषी ठहराए गए अपने लंबे समय के दोस्त और सलाहकार रोजर स्टोन की सजा को कम करने को कहा। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस के साथ ट्रंप अभियान या ट्रंप प्रशासन के बीच कभी कोई मिलीभगत नहीं थी। इस तरह की मिलीभगत 2016 के चुनाव में पक्षपात किया था। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि रोजर स्टोन पहले काफी परेशानी झेल चुके हैं और उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया क्योंकि इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल थे। रोजर स्टोन अब एक स्वतंत्र शख्स है और यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चले कि 67 साल के रोजर को मंगलवार को जॉर्जिया के जेसप में फेडरल जेल में रिपोर्ट करने को कहा गया जहाँ उन्हें 3 साल और 4 महीने की सजा काटनी होगी। उन्हें ये सजा साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप को लेकर जांचकर्ताओं के सामने झूठ बोलने को लेकर सुनाई गई है। ट्रंप के साथ अनुभवी रिपब्लिकन की दोस्ती दशकों पहले की है और स्टोन ट्रंप के कई सहयोगियों में शामिल भी थे जिस पर पूर्व विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की जांच में आरोप लगाए गए। ट्रंप की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए 2016 रूसी हस्तक्षेप का दस्तावेजीकरण किया गया था। व्हाइट हाउस ने स्टोन के लिए क्षमा दान के फैसले की घोषणा की। व्हाइट हाउस का कहना है कि स्टोन रूसी झांसे का शिकार है जिसे वामपंथी और मीडिया में मौजूद उनके सहयोगियों ने ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को कमजोर करने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है और कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त की सजा माफ करने की बात कही है।